देश के सबसे बड़े प्याज उत्पादक प्रदेश महाराष्ट्र में किसानों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। यहाँ पर प्याज के दाम में गिरावट लगातार जारी है। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में इसके दाम में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है। यहाँ की मंडी में प्याज का सिर्फ 400 रुपए प्रति क्विंटल रह गया है, जबकि मॉडल प्राइस 1975 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया है। यह दाम 26 नवंबर को था, जब मार्केट में 2370 क्विंटल प्याज की आवक देखने को मिली थी। सवाल ये है कि अगर ऐसा ही रहा तो 2022 तक किसानों की आय डबल करने का सपना कैसे पूरा होगा, जबकि प्याज की खेती की लागत लगातार बढ़ रही है। किसानों का कहना है कि इतनी तो उनकी लागत ही आ रही है, ऐसे में 32 से 35 रुपए प्रति किलो से कम बेचने पर घाटा ही है। डीजल, कीटनाशक, खाद, खेत की जुताई और लेबर कॉस्ट सबसे वृद्धि हो रही है, जबकि किसानों को उस हिसाब से प्याज का दाम नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में इनकम डबल करने की बात तो दूर, किसानों के पहले जैसे हालात भी नहीं रहेंगे। उधर एशिया की सबसे बड़ी प्याज मंडी में 26 नवंबर को 4500 क्विंटल प्याज की आवक हुई थी। यहां पर न्यूनतम दाम 600 जबकि मॉडल प्राइस 1750 रुपए क्विंटल रहा था। यह मंडी नासिक जिले में स्थित है, जहां महाराष्ट्र का लगभग 60% प्याज का उत्पादन होता है। कृषि कारोबार से जुड़े लोगों का कहना है कि देश में प्याज का दाम तय करने में लासलगांव मंडी अहम भूमिका अदा करती है, क्योंकि यह सबसे बड़ा मार्केट है प्याज का। वहीं महाराष्ट्र कांदा उत्पादक संगठन के संस्थापक अध्यक्ष भारत दिगोले का कहना है कि प्याज किसान काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। पहले तो बार बार बारिश आ रही है, उससे बार बार फसल खराब हो रही है। पहले प्रकृति ने मारा और अब दाम ने मारना शुरू कर दिया है। ऐसा भी नहीं है कि इसकी बंपर आवक है, सरकार की नीतियां भी उन्हें समझ में नहीं आ पा रही हैं। प्याज किसानों का कहना है कि इसका कोई रोड मैप नहीं बनाया गया है। यह महाराष्ट्र की मुख्य फसल है, उस पर भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। सरकारी खरीद नेफेड को 30 रुपये मिनिमम मांग की थी, लेकिन वो भी राजी नहीं हुए। भारत दिगोले का कहना है कि सरकार अपनी किसी भी एजेंसी से प्रति क्विंटल प्याज की लागत निकलवा ले और उस पर 50% मुनाफा जोड़कर इसका एक दाम तय कर दे, ताकि किसानों को नुकसान ना झेलना पड़े, वरना किसान परेशान होते रहेंगे। उन्होंने कहा है कि बहुत ही दुखद है कि आज़ादी के 75 साल बाद भी आज तक प्याज को लेकर कोई पॉलिसी नहीं बनाई गई है, जबकि देश के बड़े हिस्से में प्याज की खेती होती है। महाराष्ट्र के तो ज़्यादातर किसान प्याज की खेती पर ही निर्भर हैं। अगर प्याज का सही दाम नहीं मिलेगा तो किसान बर्बाद हो जाएंगे, इससे सरकार आयात पर निर्भर हो जाएगी। ऐसा होना ना सिर्फ किसानों बल्कि देश की इकोनॉमी के साथ भी अच्छा नहीं होगा। प्याज एक ऐसी फसल है जिसमें दूसरी फसलों के मुकाबले ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलता है, इसे डिस्करेज मत करिए। प्याज की लाखों मजदूर लगे हुए हैं, उन्हें पूरा साल काम मिलता है, रेट अच्छा रहेगा तभी इसकी खेती आगे और बढ़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।